अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अरशद अली और आप देख रहे हैं निको टीवी। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कतर हुकूमत ने एक ऐप निकाली है कोरोना वायरस के रिलेटेड। इसके बारे में आपको बताऊंगा कि वो उसको इंस्टॉल कैसे करते हैं और उसका इस्तेमाल क्या है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन वीडियो देखने से पहले जो नए यूज़र हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकॉन पे क्लिक कर लें। तो मैं आप सबसे पहले आपको बता देता हूं कि इसको इंस्टॉल करने का तरीका क्या है। सबसे पहले आपने आना प्ले स्टोर के अंदर और यहां सर्च बार के अंदर आपने सर्च करना है एतराज़। जैसे ही आप ये लिखेंगे तो ये नीचे आ रही है एतराज़, इसको आपने ओपन कर लेना है। यहाँ से इंस्टॉल करने के बाद आपने सिंपली इसको ये नीचे, अगर आप कमेंट वगैरह पढ़ना चाहते हैं तो वो भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद इस तरह का कुछ आपके पास होम पेज आ जाएगा, ठीक है। आपने ये नीचे लिखा हुआ स्टार्ट, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और उसके बाद ये कुछ टर्म एंड कंडीशन आ गई हैं। अगर आप इनको पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लें, इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, अगर आप अरबी में पढ़ना चाहें तो वह भी अरबी में भी पढ़ सकते हैं। तो उसके बाद आपने सिंपली एक्सेप्ट करना है और ये पेज निकल आएगा आपके पास। इसके ऊपर लिखा हुआ गेट स्टार्टेड वेलकम टू एतराज़ स्टेट ऑफ कतर रजिस्टर्ड बाय, इसको आप कतर आईडी पे भी आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं। और इसके अलावा ये आपको दिखा देता हूँ, वीज़े पे आपने रजिस्टर कर लेना है या अपने पासपोर्ट पे या GCC ID, इसका मतलब होता है गल्फ़ कॉर्पोरेशन कौंसल आईडी। ये गल्फ़ कॉर्पोरेशन कौंसल आईडी इसका मतलब है कि जो कतर की रियासत हैं ओमान, बहरीन, अबूजहबी, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, इनमें से किसी की भी आईडी आप इसके अंदर लगा के आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने कतर आईडी पे करना है तो आपने ये ऊपर लिखा हुआ है फ़ोन नंबर, इसके ऊपर आपने फ़ोन नंबर जो भी आपका वो भी लिख लेना है और नीचे कतर आईडी लिखनी है। उसके बाद ये एक्सपायरी डेट, ये आपने लिखने के बाद आपने गेट वेरीफिकेशन पिन पर क्लिक कर लेना है। अगर आप ये नहीं करना चाहते, आप पासपोर्ट पे भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपने फ़ोन नंबर लिखना है, नीचे पासपोर्ट और नीचे आपने नेशनलिटी लिख देनी है अपनी। अगर आप GCC ID यानी गतल गल्फ कॉर्पोरेशन कौंसल आईडी ये आप लगाना चाहते हैं तो ये ऐसे लगेगी। यहाँ पे आपने फ़ोन नंबर लिखना है कोई भी, ठीक है। नीचे आपने आईडी लिखनी है जिस कंट्री की आपके पास आईडी है, ओमान की है ओमान की लिखनी है, बहरीन की है तो बहरीन की, जिस भी यानी कि कुवैत की है, जो सऊदी अरब की रियासत हैं जो उनमें से किसी के भी आप लिख सकते हैं। और नीचे आपने उसकी नेशनलिटी लिखनी है कि आप किस यानी कि रियासत से हैं, बहरीन से हैं, कुवैत से, सल्तनत ओमान, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब एमिरेट, जो भी आपने वो सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपने गेट वेरिफिकेशन पिन, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ इस तरह का होम पेज निकलेगा, ये इस तरह का आपके पास होम पेज निकल आएगा, ठीक है। इसके ऊपर ये एतराज़ के आपके पास चार ऑप्शन आ रहे होंगे। सबसे पहला है हेल्थ स्टेटस, उसके बाद भी स्टेटस है, ठीक है। उसके बाद हॉटलाइन, उसके बाद नोटिफिकेशन। हेल्थ लाइन जो स्टेटस है इसके अंदर ये आपका अपना हेल्थ स्टेटस ज़ाहिर करेगा, ठीक है। ये नीचे चार कलर दिए हुए हैं, ग्रीन, येलो, ग्रे, रेड। अगर ग्रीन है तो आप ये जो ऊपर QR कोड आ रहा है ये अगर ग्रीन आएगा तो आपकी ऐप के ऊपर तो आप हेल्थी हैं, अगर येलो आएगा तो आप करंटीना में हैं, अगर ग्रे आएगा तो ये लिखा हुआ है सस्पेक्ट और एक्सपोज, इसका मतलब है आप मशकूक हैं, ना आपका पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, ठीक है। उसके बाद रेड कन्फर्म इन्फेक्टेड, इसका मतलब है कि आपका पॉजिटिव है, ठीक है। उसके बाद ये हेल्पलाइन है, इसके ऊपर आपसे कॉल करके पूछ सकते हैं या वो आपको कॉल कर सकते हैं। ये नोटिफिकेशन है, ये कतर हुकूमत की तरफ से जब भी कोई कोरोना वायरस या हेल्थ की तरफ कोई भी नोटिफिकेशन होगा तो वो आपकी ऐप के अंदर आ सकता है। तो दोस्तों, ये आपने इस ऐप को अपने मोबाइल के अंदर
इंस्टॉल करके रखना है। कतर के अंदर अगर आप घूमना चाहते हैं तो किसी भी वक्त आपको पुलिस शुरता वो आपके मोबाइल को चेक कर सकता है कि आपका जो हेल्थ स्टेटस है वो क्या है। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल इनिकी टीवी को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकॉन पे क्लिक कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।